इस साल जून में दो बड़ी फिल्में हमें देखने को मिलेंगी, शाहरुख खान की फिल्म जवान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष। क्या लगता है कौन सी फिल्म ज्यादा जी? बहुत दोनों बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और मुझे लगता है कोई भी महीना जो किसी और फिल्मों के लिहाज से सबसे बड़ा है पूरे साल 2023 में, सबसे बड़ा महीना कहलाने जाने वाला है जून का महीना। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तो फिर सालार भी सितंबर में देखने को मिलने वाली है, फिर अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली पड़ेगी तब तो हमको जो है टाइगर 3 भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक ही मंथ के अंदर 15 दिन का भी गैप देखने को नहीं मिल रहा, उससे भी कम टाइम में ये दो फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ी फिल्में हैं ये। देखिए वो जो भी हो, आदि पुरुष का रिस्पॉन्स जैसा रहा वो चीज़ है, लेकिन प्रभास की फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत महंगी फिल्म है, तो वो अगर उन्होंने पोस्टपोन करी है तो वो चीज़ें ठीक करके ही रिलीज़ करेंगे। अगर वो इतनी अड़ी में रहते वैसे रहते तो वो 12 जनवरी को ही रिलीज़ कर देते ना, उसी वक्त जब वो कर रहे थे, पर नहीं, उनको आ गया समझ में कि हमें फिल्म को चलाना है तो हमको चीज़ें करनी पड़ेगी, तो उन्होंने करी है। अब अगर वो तैयारी से आएंगे तो वो डबल तैयारी से आएंगे, तो आप तय समझिए तो दोनों फिल्में तूफान मचाएंगी, जवान ज़बरदस्त चलने वाली है और फिर आदि पुरुष भी मज़ा आ जाएगा देख के। और आप ये समझिए दोनों फिल्मों के साथ आप एक और चीज़ समझिए, देखिए दोनों बॉलीवुड की फिल्में, लेकिन दोनों ही बॉलीवुड की फिल्मों का पूरा प्रॉपर साउथ कनेक्शन है। आप ये देखिए बॉलीवुड की फिल्म कर रहा है प्रभास, प्रभास साउथ एक्टर है पूरी तरीके से, साउथ का वो रहने वाला है, तो साउथ का प्रभास की फिर फैन फॉलोइंग बोलने की जरूरत नहीं, असली पैन इंडिया स्टार, सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार वही है हमारे देश के अंदर। और अगर आप देखें तो फिर उनका अलग ही फिर जलवा हो जाएगा, तमिल तेलुगू में भी खतरनाक, तो वहाँ से भी वो होने वाले। और ऐसे में फिर जवान तो है ही है, हम जानते हैं नयनतारा है उसके, तो विलन फिर विजय सेतुपति है, मज़ा ही आ जाएगा विलन विजय सेतुपति को देख कर। तो फिर थैलापति विजय का भी उसके अंदर कैमियो है, एटली कुमार की फिल्म है वो, तो वो साउथ का भी जलवा, तो ये भी साउथ वाला जलवा इधर भी है और उधर भी है, तो मतलब बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है, जबरदस्त माहौल होगा, बेहतरीन तूफान मचाएगा, मतलब जून का महीना पूरे देश भर में तूफान मचा देंगे ये दो ही दो फिल्में मुझे लगता है। और भी साउथ की शायद दूसरी फिल्में देखने को मिल जाए, बॉलीवुड की कोई मुझे नहीं लगता कि जून के महीने में कहीं कर किसी की भी बात होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ये दो फिल्में हैं जो पहले जवान और फिर जो है आदि पुरुष, दोनों तूफान मचाएंगी। प्रभास वर्सेस शाहरुख खान देखने को मिल रहा है एक तरह से हमें जून के महीने।